तो दोस्तों एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए मशीनों की जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटे से लोहे के टुकड़े को सामने से हीटर गर्म कर रहा है, उसके बाद में ये दूसरी मशीन उसको पीट पीट के एक आकार दे रही है। ये मशीन स्प्रिंग बनाने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये मशीन स्प्रिंग तैयार कर रही है। इस मशीन की मदद से लोहे के पाइप को गोल आकार दिया जाता है। ये काम बहुत सारी जगह पे हाथ से भी किया जाता है। ये मशीन एल्यूमिनियम और कॉपर के पाइप को एक आकार देने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी आसानी से इस पाइप को मोड़ रही है। ये काम अगर हाथ से करें तो बहुत समय लग जाता है, पर यही काम ये मशीन की मददों से काफ़ी आसानी से और जल्दी हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे के एक टुकड़े को कैसे मोड़ा जा रहा है इस मशीन की मदद से। ये मशीन लोहे के तार को रेड एंगल शेप में तैयार करती है। यहाँ पर ये कारीगर जिम में जो प्लेट इस्तेमाल होती है वजन उठाने के लिए, उसके जो साइड के गोल आकार होते हैं इस मशीन की मदद से दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहे के बड़े से टुकड़े को एक आकार में ढाला जा रहा है इस मशीन की मदद से। यहाँ पर लकड़ी के साइड के हिस्सों को छाटा जा रहा है। ये काम हाथ से भी किया जाता है बहुत सारी जगह पर यहाँ पर ये मशीन की मदद से ये काम कुछ सेकंडों में हो जाता है। कारीगर की स्पीड को देख के आप यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कारीगर की स्पीड ज़्यादा है या मशीन की स्पीड। आप देख सकते हैं कि ये कारीगर के हाथ में कितनी स्प्रिंग एक सेकंड में आ रही है। यहाँ पर गोल आकार पाइप को एक लोहे के छोटे से टुकड़े से शोल्डर किया जा रहा है। ये मशीन पंखे में इस्तेमाल होने वाले कंडेंसर को वायर जोड़ने का काम करती है। पहले ये मशीन वायर जोड़ती है, उसके बाद में ये मशीन उसे टाके मारने का भी काम करती है, यानी कि शोल्डर करने का भी काम करती है। ये मशीन सभी टॉयलेट पेपर को एक गुच्छे में लेके आती है, उसके बाद में यही मशीन वो गुच्छे को एक पैकेट में पैक करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइए, और मशीनों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए मिलते हैं आपसे अगले टाइम पे ऐसे ही वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।